नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा बायोटिक के आफ्टर शेव लोशन के। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया और 130 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है। तो आइए देखते हैं ये कैसा सा है, इसकी प्रेगनेंस कैसी है और ये कैसा इफेक्ट आपकी स्किन पे छोड़ के जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये ऐसे नॉर्मल से पैकेजिंग आई थी अमेजोन से और इसके अंदर आपको ये दिख जाता है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा। इसके मैंने काफ़ी प्रोडक्ट के रिव्यू कर रखा है, तो आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं आफ्टर शेविंग लोशन जेल को। तो इसकी ग्रीन कलर की पैकेजिंग है, क्योंकि ग्रीन इसलिए दी हुई है क्योंकि बायो वाइल्ड ग्रास से ये एक सूथिंग आफ्टर शेव जेल इन्होंने बनाया गया है एंड आयुर्वेदिक रेसिपी लिखा गया है। 100% बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट है। बाकी यूज़ करके मैं बताता हूँ इसमें मतलब बिल्कुल 100% मेरे को लग रहा है या नहीं। और यहाँ पे दूसरी साइड इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये आयुर्वेदिक रेसिपी है, ये थेरेपेटिक होती है और ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका लिखा हुआ है 180 रुपीज़, ठीक है। पर ये आपको 150-130 में आपको अमेज़ॉन पे मिल जाती है, लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दें। इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो एक इसमें सबसे पहले दूर्वा ग्रास है 3.25%, फिर मेनपाल फ्रूट है, फिर महुरवा बार्क है और कीकर गोंद है, बिही दाना है और आखिर में आपका प्योरीफाइड वाटर है। मेन इसमें यही है, ये जो आपका बायो वाइल्ड ग्रास होती है ये इसमें मेन इसमें इंग्रेडिएंट है। तो इसमें इस साइड ये भी बता रखा है कि आफ्टर शेव कब यूज़ करना चाहिए, जब भी एंडी इरिटेशन होती है या कोई कट वगैरह लग जाए तो आप एलम भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप ये आफ्टर शेव जेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको टेंडर ग्रास के साथ एलोवेरा, वेलेंटीना और टर्मरिक भी दे रखा है ताकि आपकी स्किन को सूथ कर सके, हाइड्रेट कर सके और शेविंग के बाद मतलब कोई भी दिक्कत ना आए और इन्फेक्शन ना लगे, उसके लिए ये काफ़ी सही रहती है। मतलब ये यूज़ करना ही चाहिए, या वरना आप वो भी लगा सकते हैं फिट करी जिसे कहते हैं, तो दोनों एक ही काम करते हैं। तो इसे मैं साइड रखता हूँ, आइए अंदर चल देते हैं। तो ये वाली इस प्रकार से कुछ आ जाता है। तो ये अंदर ऐसे ट्रांसपेरेंट सा जेल है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। तो ये मैं अपने हाथ पे लेके दिखाता हूँ कैसा सा है, देखते हैं। ये तो ये हल्का सा ऐसे बाहर निकला हुआ है, तो हाँ तो ये जेल टाइप है, बिल्कुल प्योर जेल जो होता है ट्रांसपेरेंट सा, तो कुछ इस प्रकार सा है। मैं लगाने के बाद मैं बताता हूँ हाथ पे मैं वो कैसा फील हो रहा है। तो फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग से लगी, हल्का सा मुझे इसमें मेंथॉल लगा कि क्योंकि ठंडक से पहुंची थी, या तो इनका कोई ऐसा ही एक्सट्रैक्ट होगा जिससे थोड़ी ठंडक पहुंचे। पर हाँ हल्की सी मेरे को ठंडक भी पहुंची और जैसे आफ्टर शेव से जेल और कोई लगाएंगे तो उसमें भी पहुंचती है, तो इसमें भी उतनी उतनी ज़्यादा नहीं पहुंची जैसे और में आप देखोगे कि एकदम से ठंडा ठंडा हो जाता है बहुत लगता है, उतना नहीं लग रहा। बट हाँ थोड़ा सा तो है इसमें, थोड़ा सा मेरे को पता लग रहा है। और बाकी प्रेगनेंसी इसकी नेचुरल सी लगी मुझे, इसमें जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करे हुए उस प्रकार से ऐसी इतनी बेकार सी नहीं है, क्योंकि हर्बल इंग्रेडिएंट है तो और उनकी थोड़ी सी अगर फ्रेगनेंस ना डालो तो थोड़ी सी वो सूंघने में से अनप्लीजेंट सी हो जाती है। तो मेरे को ये सही लगा, आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से अगर आप कोई और जैसे एक्स वगैरह का, एक्स हो गया और बॉम्बे शेविंग कंपनी हो गई, इनके वैसे ही महंगे आते हैं, तो अगर आपकी रेंज मतलब अच्छे होते हैं उनकी ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट ये यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ इनमें केमिकल वगैरह नहीं डलता या कुछ भी जिससे कि ये थोड़ा महंगा हो, तो नेचुरल सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से भी इनकी प्राइसिंग थोड़ी सस्ती रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर वन, जैसे ओल्ड स्पाइस का देखेंगे, बॉम्बे शेविंग कंपनी का या एक्स सिग्नेचर का देखेंगे, तो ये फ़र्क होता है कि इनकी प्राइसिंग उनसे थोड़ी कम क्यों रहती है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं और जेंटल टू बॉडी है, तो आप भी यूज़ कीजिए और मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा था और आपको ये और उसे कैसे अलग लगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस रिव्यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।